दोस्तों स्वागत है आप सभी के एडिटेक पे। इस वीडियो में बात करेंगे एक रैंकिंग को लेके। यहाँ पे वर्ल्ड के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की एक रैंकिंग रिलीज की गई है। इसमें इंडिया के दो सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। यहाँ पे वो कौन से दो सुपर कंप्यूटर है इसके बारे में जानेंगे, साथ ही ये भी बात करेंगे कि इंडिया में और भी सुपर कंप्यूटर्स प्रोग्राम है, उसका क्या अपडेट है, क्या कुछ काम इस डायरेक्शन में इंडिया में हो रहा है इसके बारे में भी जानेंगे, और वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर किसके पास है, कौन सा वो सुपर कंप्यूटर है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। सो गाइस बहुत कुछ है जानने और समझने को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 5000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है हमारा, जल्दी से अचीव करते हैं उसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों सुपर कंप्यूटर्स पे आने से पहले इसके रैंकिंग के बारे में कुछ बातें बता देता हूं मैं आपको। यहां पे ये जो लिस्ट निकलता है वो निकलता है वर्ल्ड के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, और यहां पे जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स पिक किए जाते हैं वो पिक किए जाते हैं इनके कैलकुलेशन स्पीड के जरिए। और कैलकुलेशन स्पीड जो कैलकुलेट होती है वो होती है पेटाफ्लॉप्स में। पेटाफ्लॉप्स जितनी ज़्यादा होंगी वो कंप्यूटर उतना ज़्यादा अच्छा और तगड़ा माना जाएगा और उतनी ही ज़्यादा कैलकुलेशन वो कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, एक सुपर कंप्यूटर का पावर उसके पेटाफ्लॉप से लगाया जा सकता है। जितनी ज़्यादा पेटाफ्लॉप्स होंगी उतना ज़्यादा वो सुपर कंप्यूटर पावरफुल है, ये माना जा सकता है। यहाँ पे टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट निकली और इस लिस्ट में इंडिया के दो सुपर कंप्यूटर्स के नाम हैं। कौन कौन से हैं वो सुपर कंप्यूटर्स? तो पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि। ये कंप्यूटर बनाया गया नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत। इस मिशन में कई सारे सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाने बाकी है, तो इसी सीरीज में ये सुपर कंप्यूटर बनाया गया है और ये सुपर कंप्यूटर टॉप 100 के लिस्ट में आता है। और दोस्तों दूसरा जो सुपर कंप्यूटर है वो है प्रत्यूष। ये सुपर कंप्यूटर इंडिया में वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है और यहाँ पे इसकी जो पेटाफ्लॉप है वो है 6.5। और ये सुपर कंप्यूटर आज की तारीख में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के अंडर आता है और इसकी रैंक है 66। तो यहाँ पे आप गर्व फील कर रहे होंगे, हो सकता है आपको प्राउड फील हो रहा होगा कि दुनिया के 100 सबसे ताकतवर कंप्यूटर्स में से दो सुपर कंप्यूटर हमारे पास भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता उतनी ज़्यादा गर्व फील करने की बात है, क्योंकि हम 130 करोड़ की आबादी में जी रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ऐसे पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। सुपर कंप्यूटर्स हालांकि बहुत सारे हैं, कुछ बेसिक चीज़ों में यूज़ होते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ल्ड क्लास के सुपर कंप्यूटर्स सिर्फ दो हैं हमारे पास, ये चिंता वाली बात है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद मैं नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के बारे में बात करूँगा, लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि दुनिया में जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो गाइस दुनिया में जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है वो जापान के पास है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। और दोस्तों यहाँ पे इसके नाम पे मत जाना, यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो है 442 पेटाफ्लॉप्स। अब आप अंदाजा लगाओ हमारे पास जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड सिर्फ 6.5 पेटाफ्लॉप्स है और जापान के पास जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है 442 पेटाफ्लॉप्स की, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर। वहीं पे अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो ये दूसरे नंबर का कंप्यूटर IBM के अंडर आता है। IBM आप सब जानते होंगे, IBM बहुत बड़ी कंपनी है IT सेक्टर की। तो यहाँ पे इसकी जो कंप्यूटर है इसकी कंप्यूटिंग पावर है 148.8 पेटाफ्लॉप्स की, जो कि आज की तारीख में दुनिया की दूसरी सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि चाइनीज के पास क्या कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है? बिल्कुल है, और हमसे ज्यादा तादाद में है और हमसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के है। वर्ल्ड के टॉप सुपर कंप्यूटर्स में चाइनीज सुपर कंप्यूटर आता है, उसमें से एक है जो फोर्थ नंबर पे है और इसका नाम है चाइनीज सनवे ताइहुन लाइट। ये वर्ल्ड का चौथा सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट। इसकी स्पीड है 93 पेटाफ्लॉप्स की, जो कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चाइना के अंडर आता है।
तो दोस्तों ये तो थी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स लिस्ट के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव। इसके बारे में हमने कुछ हाइलाइट्स जाना। यहाँ पे एक बात जाननी जरूरी है कि ये लिस्ट साल में दो बार आती है, एक जून में एक नवंबर में। इसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर्स की, तो यहाँ पे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में भी जानना बेहद ही जरूरी है। इसको स्टार्ट किया गया था 2015 में, भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया ये मिशन कंप्लीटली स्टेट फंडेड है और इसकी टारगेट थी 2022 तक की, जहां पे 73 इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाने थे। आप इमेजिन करो 73 इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर्स जो कि देश के अलग अलग इंस्टीट्यूट में रखे जाएंगे और इनको हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा ताकि डेटा की मूवमेंट बहुत ही तेजी से हो सके और उनको बहुत ही तेजी से कैलकुलेट भी किया जा सके। रिसर्च और स्टडी में ये बहुत ही ज्यादा क्रांति लाने वाला है, लेकिन ऑलरेडी ये मिशन डिले चल रहा है और कोविड के कारण ये और ज्यादा डिले हो गया है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके कुछ डिटेल्स की, तो ये जो प्लान है नेशनल कंप्यूटिंग मिशन, ये 7 साल का एक ऑनगोइंग प्लान है जिसको लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में। और इसका मिशन ये था कि 73 सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाए आने वाले 7 सालों में। टारगेट दी गई थी 2022 तक की और इस प्रोग्राम की जो लागत थी वो तकरीबन थी $730 मिलियन। रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करें तो 4,500 करोड़ रुपए। दोस्तों इस मिशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो 73 सुपर कंप्यूटर्स बनाना नहीं है, बल्कि 73 सुपर कंप्यूटर्स को घर में मैन्युफैक्चरिंग करना है। बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग करना है, असेंबल करना नहीं। अगर असेंबल ही करना रहता तो हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इस प्रोग्राम का मेन मोटिव यही है कि एट द एंड ऑफ 2022 हम पूरी तरीके से इंडिजीनियस सिस्टम्स के साथ सुपर कंप्यूटर बनाने लगे, जिसमें प्रोसेसर भी हमारा हो, बाकी के इक्विपमेंट्स भी, बाकी के कंपोनेंट्स भी हमारे खुद के हों और फर्स्ट फेज में 60% इंडिजीनियस कंपोनेंट्स का यूज किया जाना है और सेकेंड फेज में पूरी तरीके से इंडिजीनियस कॉम्पोनेंट को यूज किया जाना है। यहाँ पे इस मिशन को खत्म करते करते हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन पाए सुपर कंप्यूटर्स को बनाने के मामले में। और टारगेट यह है कि सुपर कंप्यूटर जो फेज 3 में बने उनकी स्पीड 45 पेटाफ्लॉप्स की हो, जो कि काफी अप्रिशिएट करने वाली बात है, क्योंकि आज के तारीख में हमारे पास जो पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स है वो 10 पेटाफ्लॉप्स के नीचे ही काम कर रही हैं। और अगर हम 45 पेटाफ्लॉप्स तक पहुंच पाते हैं तो कल के डेट में 100 पेटाफ्लॉप्स को क्रॉस करना उतना ज्यादा इम्पॉसिबल नहीं लगेगा जो आज लग रहा है। ये थी पूरी डिटेल सुपर कंप्यूटर्स के इस टॉप 500 लिस्ट के बारे में और साथ ही सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जाना। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आप चाहते हो कि हमारा चैनल ग्रो करे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही वीडियो पसंद आया तो शेयर करो फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, व्हाट्सएप, ट्विटर पे, जहां भी आप कर सकते हो। मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।